नेताओं द्वारा पद का दुरुपयोग कर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले तो बहुत सुनने में आते हैं, परंतु अपने पद का दुरुपयोग कर जमीनों पर कब्जे के साथ मजदूरों के हितों पर डाका डालने के मामले कम ही सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला गौरबी एनसीएल ब्लॉक बी क्षेत्र के नोडिया पंचायत का है, जहाँ एनसीएल की जमीन पर कब्जे के साथ मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलने वाले कार्यों पर भी सेंध मारी जा रही है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब एनसीएल की ही सिक्योरिटी द्वारा ब्लॉक बी के पदाधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से जमीन पर अवैध कब्जे की बात कही गई। गौरतलब है कि एनसीएल के नोडल अधिकारी ने स्टाफ अधिकारी पत्र के जरिए आगाह किया था कि ग्राम मुहेर की अधिग्रहित भूमि पर राजीव प्रताप सिंह उर्फ राजू सिंह एवं उनके लोगों द्वारा पीसी एवं ट्रैक्टर लगाकर मिट्टी काटी जा रही है एवं मिट्टी का बांध तैयार किया गया। गौरतलब है कि वह भूमि एनसीएल के अंतर्गत है, परंतु फिर भी इनके द्वारा ऐसा कृत्य कहीं से भी उचित नहीं लगता। जहां तक बांध का सवाल है तो यह नोडिया पंचायत के अंतर्गत बनना था, जिसमें मनरेगा के तहत मजदूरों को काम पर लगाकर यहां उन्हें रोजगार देना था, परंतु घर पर ही सरपंच का पद रहने के कारण नियमों को ताक पर रखकर मजदूरों के हितों पर भी डाका डाला गया। अब इसकी जाँच की मांग की जा रही है।